लॉकडाउन के दूसरे चरण में शुक्रवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। इस दौरान शहर के सभी मस्जिदों पर ताला लटका रहा और सन्नाटा पसरा रहा। शहर के सभी चौराहों पर बैरिकेटिंग करके शहर में आने जाने वालों से पूछताछ और पास देखकर ही जाने दिया गया। लॉकडाउन का पालन न करने वालों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए जगह जगह घेरा बनाकर घंटों बैठाए रखा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, सभी लोग लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, वाहन की गति धीरे धीरे जीरो जीरो, रुक जाइए भैया। कहाँ से आप आ रहे हैं जी? आपका वाहन पास है भैया? ठीक भैया, जाके बढ़ाइए भैया। वाहन चलाते समय भी भैया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। हेलमेट का प्रयोग आपको सुरक्षित रखता है। कहाँ मिल रहा 24 दूर हुआ, अभी कहाँ मिल रहा आपको पता नहीं है? मोबाइल नंबर 9450। तरह से कंप्लायंस कराई जा रही है। संक्रमण को रोकने के लिए यही एक हथियार है जिसका उपयोग किया जा रहा है। नागरिकों से क्या अपील है आपके द्वारा? जिला अधिकारी के निर्देश के क्रम में मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और संक्रमण को फैलने से रोकें। अनावश्यक सड़कों पर मत आएं। आपके जीवन की सारी आवश्यकता की सामान आपके डोर स्टेप पर पहुंचाया जा रहा है।